अगर हम पिछले 3 लेक्चर्स की बात करें तो उसके अंदर हमने किया था लेटर्स क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, हमने जो है नाउन के टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझा, वर्ड क्या होता है उसकी हमने बात की, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो उन सभी की हमने बात की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन द केस। नाउन द केस, केस का मीनिंग क्या होता है बेटा? केस का मीनिंग होता है कारक। क्या होता है बेटा? कारक। अगर हम केस की बात करें तो नाउन का केस जो होते हैं बेटा चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस, या जिसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। सेकेंड की अगर हम बात करें तो क्या होता है? पजेसिव केस। क्या होता है बेटा? पजेसिव केस। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव केस एंड लास्ट इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ही एक केस आता है बेटा डेटिव केस। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और वोकेटिव केस क्या होता है। इसकी हम जो है डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। क्लियर है बेटा? अगर बेटा इस चैप्टर को आपने, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर आप 40% इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसी वीडियो लेक्चर से एक एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान से समझना है, जो आपके क्लास 10th के अंदर एरर आते हैं तो आप यहां से एरर फाइंड आउट कर सकते हो, रीअरेंजमेंट जो वर्ड्स आप कर सकते हो। तो बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना है। चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्टिव केस की, कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस देखिए बेटा, जिस केस से हमें पता चलता है कि जो वाक्य है उसका सब्जेक्ट क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, वही केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट मैंने बोला है ये सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट बेटा सब, सब का मीनिंग होता है डूअर, यानी कि काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन होता है बेटा? सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट की पहचान की बात करें तो जब जब हम किसी वाक्य में कौन या किसने, क्या लगाना बेटा? कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं। तो जो भी हमें उत्तर प्राप्त होता है, जो भी हमें आंसर मिलता है वो क्या होता है बेटा? वाक्य का सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? वाक्य का सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर बेटा? वेरी। चलिए देख लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। तो बेटा मैं पूछता हूं कौन पढ़ता है, मैंने क्या लगाया? कौन लगाया, यानी कि हू लगाया। कौन पढ़ता है तो आप कहोगे सर राम पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है बेटा? सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है बेटा? यानी कि जो सब्जेक्ट है उसका कैसे पता चलेगा? जब भी हम किसी वाक्य में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो भी हमें उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? वाक्य का सब्जेक्ट। आइए कुछ देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, तो उसको भी बड़ी ही बारीकी से मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं
उसमें आपको देखना है कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के अंदर और क्या क्या होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए माई ब्रदर राम हैज रीडिंग सम बुक। सेकेंड सेंटेंस क्या है? राम माई ब्रदर हैज रीडिंग सम बुक। देखिए बेटा, अगर मैं बात कहूं कि दोनों के अंदर कौन सा सेंटेंस ठीक होगा, कंफ्यूज हो गए ना? कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऊपर वाला ठीक है, कुछ बोलेंगे सर नीचे वाला ठीक है, कुछ बोलेंगे सर दोनों ही ठीक है। क्लियर है बेटा? तो देखिए बेटा, मैं बता देता हूं कि ये बिल्कुल गलत है और ये सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। आप पूछोगे सर ऐसा कैसे है? तो देखिए बेटा, देखिए सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन को एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर वह हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाई जाती है। इस बात को बेटा नोट डाउन कर लेना कि एट्रीब्यूट क्या होता है? सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जब भी बताया जाता है तो वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद बताया जाता है। सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। लेकिन इसमें देखो बेटा, माई ब्रदर राम, मेरा भाई राम, यानी कि राम मेरा भाई। सब्जेक्ट कौन बुक पढ़ता है? राम। कौन बुक पढ़ता है बेटा? राम। यानी कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसकी है? राम की, ना कि मेरा भाई राम। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसकी बेटा? राम की। तो ये क्या है? एट्रीब्यूट है। और ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या बेटा? सब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर? तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? एट्रीब्यूट आएगा। और बेटा जब भी अगर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, किसका? हेल्पिंग वर्ब का, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। यानी कि जो भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? सब्जेक्ट के, ना कि उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। इतनी बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। चलिए आगे देख लेते हैं। दो सेंटेंस में और लिखता हूं, उसके अंदर भी जो है आपको एरर फाइंड करना है और सीखना है कि और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है। सेकेंड चीज क्या बेटा? दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज very difficult।
देखिए बेटा आपके सामने दो सेंटेंस दी है मैंने, दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, और क्या लिखा है, द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज वेरी डिफिकल्ट। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ठीक था और कौन सा गलत है। चलिए कमेंट के अंदर लिख के जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। देखिए बेटा बहुत सारे बच्चे क्या जवाब देंगे कि जो सर ये जो फर्स्ट वाला है ये ठीक है, कुछ कहेंगे कि सर सेकंड वाला ठीक है, कुछ कहेंगे फर्स्ट वाला गलत है, कुछ कहेंगे सेकंड वाला गलत है, और कुछ कहेंगे कि सर ये दोनों ठीक है। लेकिन बेटा अगर बात करें तो जो फर्स्ट वाला है वो गलत है और सेकंड वाला ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो चलिए एक रूल लिख लेते हैं हम फिर से कि सेकंड वाला ठीक क्यों है, फर्स्ट वाला गलत क्यों है। जिसमें से सब्जेक्ट निकलता है, जिसमें से सब्जेक्ट निकलता है उसे पार्टिकेटिव कहते हैं। और पार्टिकेटिव हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगता है। पार्टिकेटिव हमेशा बेटा सब्जेक्ट से पहले लगता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके माँ बाप है और आप हो, तो सबसे पहले जो है मान लो आपके माँ बाप जो है कुछ लेके आए खाने का, तो आपको देंगे या खुद खाएंगे? आपको देंगे ना। तो ऐसे ही ये एक्सरसाइज क्या है, माँ है या बाप है किसका, क्वेश्चन का। समझने के लिए इसको माँ या बाप मान लो, तो सबसे पहले किसको रखेंगे, ये बच्चे को। तो द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, पार्टिसिपेटिव। यानी कि ये जो क्वेश्चन है कहां से निकल के आया बेटा, एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन निकल के आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिव। इसलिए जो पार्टिसिपेटिव है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगता है, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहां लगती है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। इतनी बात क्लियर है? और जिसमें से सब्जेक्ट निकलता है वो क्या होता है, पार्टिसिपेटिव। और पार्टिसिपेटिव क्या होता है, ये पहले लगता बेटा सब्जेक्ट के, और इनके साथ हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। इतनी बात क्लियर बेटा? और जो केस हमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्टिव केस। और क्या बेटा, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सेकंड केस हमारा क्या है, पजेसिव केस। पजेसिव केस देखिए बेटा, पोजेस, पोजेस क्या होता है, पोजेस का मीनिंग होता है अधिकार दर्शाना, यानी कि अधिपत्य दर्शाना। ये
यानी जब हम किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार दर्शाते हैं या अपना अधिपत्य दर्शाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पजेसिव केस। इतनी बात क्लियर है बेटा? पजेसिव केस क्या है, जब भी हम किसी के ऊपर अपना अधिकार या अपना अधिपत्य दर्शाते हैं तो उसको हम पजेसिव केस कहते हैं। पजेसिव केस जो है नाउन का हम दो तरीकों से दर्शा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस से और ऑफ लगाकर। अगर हिंदी में की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा राम का भाई, यानी कि इस भाई के ऊपर किसका अधिकार है, राम का। किसका अधिकार होता, राम का, क्योंकि भाई किसका है, राम का। तो जहां पे भी का के की लगा मिल जाए तो किसका क्या होगा बेटा, पजेसिव केस। अगर हम बात करें हुज की, जिस भी वाक्य में हम हुज लगाकर क्वेश्चन करेंगे किसका, किसके, किसकी, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा हमारा, पजेसिव केस। क्या होगा बेटा, पजेसिव केस। बात करते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां होता है और ऑफ का यूज कहां होता है। देखिए बेटा, एपोस्ट्रोफी एस लिविंग के साथ लगता है। अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, और अगर हम बात करें नॉन लिविंग की तो उसके साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होगा बेटा, ऑफ का। इतनी बात क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप और अच्छे से इस चीज को समझ जाओ। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं राम का भाई तो मैं राम ब्रदर लिखूंगा या ब्रदर ऑफ राम लिखूंगा। तो देखिए बेटा, राम क्या है, एक लिविंग है, लिविंग के साथ हम किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का, तो फर्स्ट ठीक हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? सेकंड अगर हम बात करें मेज की टांग, तो मैं क्या लिखूं, टेबल्स लेग लिखूं या लेग ऑफ टेबल लिखूं या टेबल ऑफ लेग लिखूं या लेग्स टेबल लिखूं। जल्दी जल्दी बेटा कमेंट के अंदर आंसर दीजिए कि मेज की टांग को हमने क्या लिखना है। जल्दी जल्दी जो है कमेंट के अंदर। वेरी गुड बेटा। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने दिया है कि सर लेग ऑफ टेबल लिखें, लेकिन बहुत सारे बच्चे बेटा कंफ्यूज भी हैं कि टेबल ऑफ लेग लिखें या सर लेग टेबल लिखें या टेबल से लेग लिखें। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बेटा, पहली चीज मेज क्या है, नॉन लिविंग होगी तो ऑफ आएगा, एपोस्ट्रोफ एस वाले तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे तो ऑफ आएगा, तो लेग ऑफ टेबल लिखूं या टेबल्स ऑफ लेग। देखिए बेटा, पॉइंट को नोट करना है, लिविंग होगा तो स्टार्टिंग से चलेगा, लेकिन नॉन लिविंग होगा तो पीछे से स्टार्टिंग होगी। यानी कि लिविंग में हमने क्या किया था, राम ब्रदर लिखा था, राम का भाई, राम से स्टार्टिंग की थी,
लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो मीन्स की टांग को हम टांग से स्टार्ट करेंगे, लेग ऑफ टेबल, ना कि टेबल ऑफ लेग। टेबल ऑफ लेग गलत हो जाएगा, लेग ऑफ टेबल जो है ठीक होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? राइट। लेकिन एक और सेंटेंस लिखता हूं जिसने हमारे रूल को ही बदल दिया, हमारे कंसेप्ट को ही बदल दिया। दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली की जनसंख्या, तो इसको मैं क्या लिखूं? पॉपुलेशन दिल्ली लिखूं या दिल्ली पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली? या दिल्ली ऑफ पॉपुलेशन? जल्दी जल्दी बेटा कमेंट के अंदर आंसर दीजिए कि दिल्ली की जनसंख्या को मैं क्या लिखूं, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये थर्ड सी ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए बेटा देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले बात की पॉपुलेशन दिल्ली, दिल्ली इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले दिल्ली बताइए बेटा लिविंग है या नॉन लिविंग? वेरी गुड। क्या है? नॉन लिविंग, लेकिन जनसंख्या क्या है? लिविंग। तो नॉन लिविंग के हिसाब से क्या आना चाहिए? ऑफ से आना चाहिए। क्लियर है बेटा? पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली आना चाहिए या दिल्ली ऑफ पॉपुलेशन आना चाहिए। लेकिन बेटा जब भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा, किसका? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होगा। मानवीकरण अलंकार क्या होता है बेटा? जब भी किसी निर्जीव को सजीव की तरह बताया जाता है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है, तो वहां पर जो टोटली कंसेप्ट है वो उल्टा हो जाता है। यानी कि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और लिविंग के साथ क्या लगेगा वहां पर? ऑफ लगेगा। इसीलिए क्या जाएगा? दिल्ली पॉपुलेशन। और इसके अंदर स्टार्टिंग कहां से होगी? दिल्ली से ही होगी, ना कि पॉपुलेशन से। इतनी बात क्लियर है बेटा? कई बार क्या होता है बेटा, पीछे एस लगा मिलता है लड़कों के थे तो बॉयज है, तो इसके अंदर अगर हमें एपोस्ट्रोफ लगाना है तो हम एपोस्ट्रोफी एस ना लगाकर खाली एपोस्ट्रोफी साइन लगा देते हैं। इन चीजों को बेटा नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और वोकेटिव केस क्या होता है। तब तक बड़े ही ध्यान से आपको समझना है सब्जेक्टिव केस के बारे में और पोजेसिव केस के बारे में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सब्जेक्टिव केस बेटा जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में यानी कि जब हम किसी वाक्य में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो भी हमें उत्तर प्राप्त होता है क्या होता है? वाक्य का सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। उसके बाद मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं, और एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि बेटा जो पार्टिटेटिव होता है, जिसके अंदर से सब्जेक्ट निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिटेटिव। और पार्टिटेटिव हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगता है, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है।
हमने एग्जांपल्स भी देखे और भी एग्जांपल्स आपको अपने पास से करने हैं, 30-40 एग्जांपल्स मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो। जितने एग्जांपल्स बेटा आप करोगे आपकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की अगर हमने बात की तो हमने बात की किसकी, पोजेसिव केस की। तो पोजेस का मीनिंग क्या था, अधिकार दर्शाना, यानी कि जब भी हम किसी के ऊपर अपना अधिकार दर्शाते हैं या आधिपत्य दर्शाते हैं तो किसका यूज होता है, पोजेसिव केस का। हुज का आंसर हमेशा पोजेसिव केस होता है और पोजेसिव केस के अंदर बेटा हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का या ओ का। एपोस्ट्रोफी एस लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ ओ। इसके बाद हमने बात की पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच की, यानी कि मानवीकरण अलंकार की। यानी कि जब भी बेटा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो ये जो रूल है बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्लियर है बेटा। अगर आपको बेटा मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।